हिजबुल्ला एक के बाद एक कई मिसाइल फायर कर रहा है। एंटी टैंक मिसाइल से उसने इसराइल के कई अड्डे बहुत ही सटीक हमलों में उड़ा दिए। पहला हमला टावर उड़ गया, दूसरा हमला रेडार तबाह हो गया, तीसरा हमला एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनन और इसराइल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक, और यहाँ बने हैं इसराइल के पांच बहुत ही खतरनाक अड्डे। अड्डा नंबर एक, अड्डा नंबर दो, अड्डा नंबर तीन, अड्डा नंबर चार, अड्डा नंबर पांच। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनन का इलाका है और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं कि इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहाँ मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। सबसे पहले इसराइल का अड्डा नंबर एक शतुला इलाके में बने इस अड्डे पर हिजबुल्ला ने किया पहला हमला। इसराइल का अड्डा नंबर एक हिजबुल्ला का पहला टारगेट। हिजबुल्ला ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधे जाकर इसराइल का एक टावर उड़ा देती है। हिजबुल्ला की ये रेंज देखकर इसराइल के कैंप में खलबली सी मच गई है, क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह तबाह हो गया। इसके बाद टारगेट बना इसराइल का अड्डा नंबर दो, ये भी शतुला इलाके में है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया दूसरा हमला। अड्डा नंबर दो हिजबुल्ला का दूसरा टारगेट। इस बार हिजबुल्ला ने BGM-71 TOW एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह कर दिया। ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इसराइल का अड्डा नंबर तीन, ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया तीसरा हमला। अड्डा नंबर तीन हिजबुल्ला का तीसरा अटैक। इस बार हिजबुल्ला ने कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की। रूस की ये वायर गाइडेड मिसाइल भी इसराइल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और पांचवें अड्डे पर भी हिजबुल्ला अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्ला का दावा है कि इन हमलों में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। हिजबुल्ला के ऐसे ही हमलों के बाद इसराइल चुन चुन कर बदला ले रहा है। वो अब हिजबुल्ला को कोई मौका नहीं देना चाहते। इसराइल लेबनान सीमा के यारीन इलाके में हमारी मौजूदगी है। किस तरह से जो लेबनान के सरहदी गांव हैं वहां पर तबाही के निशान है वो देख सकते हैं। ये एक इमारत है जिसको निशाना बनाया गया है, यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा, देखिए सिवाय एक बिल्ली के। बिल्ली यहाँ पर नजर आ रही है और देखिए हाल ही में इस पर अटैक किया गया है, रॉकेट से इस पर अटैक किया गया है। रॉकेट के निशान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरह से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इसराइल के जवाबी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इसराइल अब पीछे हटेगा। उसके रास्ते में जो आएगा इसराइल अब उसे मिटाना चाहता है, फिर चाहे वो हिजबुल्ला हो, सीरिया हो या फिर ईरान। That in response to the Israeli incursions, the airstrikes that are taking place, the Iranians have been telling everybody overtly and loudly that they will proliferate, they will escalate if necessary. And again, going back to those rules, you know, one of the ways that you can escalate without necessarily risking getting your teeth kicked in, if you're the Iranian leadership, is by doing these. इसराइल और गाजा के बीच शुरू हुई जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। ये युद्ध लेबनन और सीरिया में तो दाखिल हो ही चुका है, अब पूरा पश्चिम एशिया इसकी जद में कैसे आएगा, सबको यही डर सता रहा है। हिजबुल्ला इस वक्त इसराइल के युद्ध में बड़ा पलीता लगा सकता है और इसका असर लेबनन की जमीन पर दिखने लगा है। ये दक्षिणी लेबनन है। और यहाँ पर इसराइल के हमलों में मारे गए हिजबुल्ला के लड़ाकों का जनाजा निकल रहा है, साथ में सैकड़ों लोग हैं जो इसराइल से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद लेबनन इसराइल का बॉर्डर भी एक्टिव है। यहाँ पर इसराइल ने जितने भी हमले किए हैं उसमें हिजबुल्ला के 40 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं।
हिजबुल्ला वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्ला को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। इसलिए अगर हिजबुल्ला को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि ईरान को भी बड़ा झटका लग रहा है। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है।